नमस्कार दोस्तों, टाइम हो गया है 2:30। ठीक है, और जैसे आपने देखा सुबह जहां मैंने सेल का लेवल दिया था उसके नीचे मार्केट ने लो दिखाया। मैंने बुक बोला यहाँ पे बुक करो, और एक बाय का लेवल दिया 17,120, और ऐसे ही 36,000 अबव बैंक निफ्टी में बाय का लेवल दिया। वहां से जहां पर निफ्टी गया 17,300 उसके आसपास बुक लॉन्ग बोल दिया, 36,300 के आसपास बैंक निफ्टी में बुक लॉन्ग बोल दिया। तो इतनी एक्यूरेसी आप कहीं हो तो बताइएगा। और लाइव मार्केट में दोस्तों इतना आसान नहीं होता। ठीक है, जो जितना ज्यादा बताने की कोशिश करेगा आप समझिए वो उसके गलत होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। ठीक है, जो वीकली वीडियो एक बार बनाएगा वो हमेशा सही साबित होगा। आता है ना वो एक बाबूजी, 95 एनालिसिस 91 प्रिडिक्ट करेक्ट। भाई अगर मैं 95 एनालिसिस करूं 91 पर मेरे सही हो जाए मैं अंबानी हो जाता आज। ठीक है, तो और आप प्रॉफिट कहाँ बुक करते हो वो भी बहुत बड़ी एक कला है। वो अगर किसी को पता लग जाए, कई बार तो मैं बहुत जल्दी निकल जाता हूँ, ये चीजें समझने वाली है। चलिए मैं आगे की बात कर दूं। मार्केट स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कहते हैं, और ट्यूसडे को आप मेरे वो वीडियो देखिए, मैंने 1:30 के टाइम का बहुत बार जिक्र किया है कि ट्यूसडे के दिन 1:30 1:30 पे या तो शार्प रिकवरी आती है या मोमेंटम उसी तरफ स्ट्रांग हो जाता है। तो वैसे ही देखने को मिला है आज। और नजर रखिएगा, अगर 300 लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, इवन 297 के भी ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो मार्केट कल पॉजिटिव रहने के चांसेस है। और बैंक निफ्टी में भी जो थर्सडे की क्लोजिंग थी, थर्सडे की जो क्लोजिंग थी उन दोनों लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट पॉजिटिव है, आप कॉल कैरी करके जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था। टेलीग्राम पे तो मैंने बता दिया है, बट यूट्यूब पे जितने लोग देखते हैं सारे टेलीग्राम पे हैं नहीं। तो थर्सडे की जो क्लोजिंग है उनको ध्यान में रखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की उनके ऊपर क्लोज करता है तो आप बाय करके जा सकते हैं। अगर उनके नीचे एक एक पॉइंट नीचे भी क्लोज हो जाता है तो बाय करके मत जाना। प्रॉफिट भले ही छूट जाए कोई चक्कर नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए। इस चीज को जो समझ जाएगा वो सीख जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।